हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल करंट अफेयर्स की सीरीज़ आपकी पहले चल रही थी बिकॉज ऑफ सम रीजंस अक्टूबर के करंट अफेयर्स हम लोग नहीं दे पाए थे लेकिन इसको फिर से स्टार्ट कर दिया गया है नवंबर से तो दो नवंबर के करंट अफेयर्स मैं आपके सामने लेकर आई हूँ ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक है हमारा हाल ही में चंद्रमा से संबंधित एक दुर्लभ खगोलीय घटना जिसे ब्लू मून कहा जाता है इसको कब देखा गया है ठीक है ये कब देखने को मिली तो इकतीस अक्टूबर को इसको देखा देखा गया है ठीक है जब क्या होता है ब्लू मीन ब्लू मून ये जान लेते हैं ठीक है इकतीस अक्टूबर को इसको देखा गया है ये तो आपको पता चल ही गया है जब पृथ्वी पर किसी माह में दो बार पूर्ण चंद्रमा देखने को मिलता है यानी कि दो बार उसको पूरा देखा जाए उसका आकार पूरा होना चाहिए तो दूसरे पूर्ण चंद्रमा को क्या कहा जाता है ब्लू मून कहा जाता है ठीक है मोस्ट ऑफ द टाइम एक वन मंथ में एक ही बार ऐसा होता है कि पूरा चंद्रमा आ, एक बार दिखता है लेकिन जब कभी ऐसा हो जाए कि दो बार दिखे तो दूसरी बार जो होता है उसको ब्लू मून कहा जाता है अक्टूबर माह में जो पहला चंद्रमा देखा गया था यानी कि पहला पूर्ण चंद्रमा देखा गया था वो एक अक्टूबर को देखा गया था और जो अभी ये ब्लू मून वाला जो हुआ है ये इकतीस अक्टूबर को हुआ है ओके नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को किस रूप में मनाया जाता है ठीक है तो इसको राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है ठीक है और कब मनाया जाता है इकतीस अक्टूबर को ठीक है प्रतिवर्ष इकतीस अक्टूबर को स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री देखिए पहले उप प्रधानमंत्री हैं इसलिए इम्पोर्टेंट बनता है ये प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को पूरे देश में राष्ट्रीय एकता दिवस यानी कि नेशनल यूनिटी डे के रूप में मनाया जाता है ठीक है वर्ष 2014 में पहली बार केंद्र सरकार द्वारा 31 अक्टूबर को इस दिवस को मनाने का निर्णय लिया गया था कब लिया गया था 2014 में पूछ लिया जाता है कई बार कि इसको कब से मनाया जा रहा है तो याद रखना 2014 से ठीक है सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म हुआ था 31 अक्टूबर अठारह को कहाँ पर हुआ था गुजरात के नाडियाड शहर में ओके भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान देने के साथ ही उन्होंने स्वतंत्रता के पश्चात देश की सभी रियासतों के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इसके अलावा इन्होंने आ, इनके बारे में एक खास बात यह है कि 1928 में 28 के समय में गुजरात के बारदोली में किसान आंदोलन की सफलता के बाद वहाँ की महिलाओं ने गुजरात के बारदोली में 1928 में हुआ था क्या किसान आंदोलन ठीक है तो वहाँ जब इनको सफलता मिली थी तो वहाँ की जो महिलाएं थीं उन्होंने इनको ये उपाधि दी थी, थी सरदार की ठीक है तभी से इनका नाम जो है सरदार वल्लभ भा, भाई पटेल को कहा जाने लगा था उन्होंने भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि आईएएस और भारतीय पुलिस सेवा यानी कि आईपीएस जैसी अखिल भारतीय की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जिसके कारण उन्हें भारतीय नागरिक सेवाओं के संरक्षक संत के रूप में भी जाना जाता है ठीक है इसके अलावा सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री रहे थे ये तो आपको पहले ही पता चल चुका है लेकिन ये पहले गृह मंत्री भी रहे थे ये याद रखना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने सरदार पटेल को लौह पुरुष की उपाधि दी थी देखिए लौह पुरुष की कि, आ, किसको कहा जाता है ये तो आप आ, सभी को याद रहता है लेकिन ये उपाधि किसने दी थी ये याद रखना महात्मा गांधी ने ठीक है वर्ष उन्नीस में उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था इनके इसके अलावा इनके बारे में एक बात और है जो कि मैं नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगी, ठीक है चलिए नेक्स्ट है भारत की पहली सी प्लेन सेवा को किसके द्वारा संचालित किया जाएगा ठीक है तो इसको संचालित किया जाएगा स्पाइस जेट के द्वारा कहाँ पर किया जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के नर्मदा जिले में केवड़िया के पास स्टैचू ऑफ यूनिटी ठीक है और अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट के बीच 31 अक्टूबर को एक सी प्लेन सेवा को शुरू किया है ठीक है ध्यातव्य है कि यह सेवा स्पाइस जेट की सहायक कंपनी स्पाइस शटल द्वारा संचालित की जाएगी स्पाइस शटल द्वारा इस सेवा हेतु कनाडा की एक कंपनी द्वारा निर्मित आ, ट्विन ऑटर तीन सौ सी प्लेन का उपयोग किया जाएगा ठीक है इसमें किसका उपयोग किया जाएगा इसको याद रखना इसके नाम को बाकी स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में एक दो लाइन इंपॉर्टेंट है वो आप लोग चाहें तो इसके बारे में नोट कर सकते हैं क्योंकि कई बार इससे क्वेश्चन बना है कि आ, सबसे पहले तो ये जो स्टैचू ऑफ़ यूनिटी है ये किसकी मूर्ति है सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है ठीक है सबसे ऊंची मूर्ति है विश्व की और इसकी जो लंबाई है वो है वन टू मीटर ठीक है याद रखना है इसको और ये जो है गुजरात में है इसका शिलान्यास कब हुआ था तो 31 अक्टूबर 2013 में जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे ठीक है उस टाइम पर इसका शिलान्यास किया गया था ओके बाकी इसके अलावा कुछ खास नहीं है इसके बारे में इतना ही याद रखना इसकी लंबाई के बारे में क्वेश्चन कई बार पूछा गया एग्ज़ाम में नेक्स्ट है किस क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और कम्बोडिया के बीच एक समझौता ज्ञापन यानी कि मेमोरेंडम ऑफ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर को मंजूरी दी गई है ठीक है तो कौन सा क्षेत्र है वो वो है स्वास्थ्य और चिकित्सा ओके इस पर हस्ताक्षर हुए हैं यह समझौता हस्ताक्षर होने की तिथि से पाँच वर्ष की अवधि के लिए लागू किया गया है यानी कि किस इसकी जो ड्यूरेशन क्या होगी तो याद रखना पाँच वर्ष के लिए इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा इस समझौते के तहत दोनों देशों की सरकारों के बीच सहयोग के मुख्य क्षेत्रों में मातृत्व और बाल विकास सॉरी बाल स्वास्थ्य परिवार नियोजन एच एड्स और टी ड्रग्स फार्मास्यूटिकल्स प्रौद्योगिकी हस्तांतरण सार्वजनिक स्वास्थ्य और महामारी विज्ञान रोग नियंत्रण तथा चिकित्सा अनुसंधान और विकास शामिल हैं ये सारी चीज़ें शामिल हैं ये इम्पोर्टेंट नहीं है इतना याद हो ही नहीं पाएगा ठीक है तो इसकी ड्यूरेशन याद रखना ये पूछा जा सकता है और किस किस कंट्री के बीच में हुआ है किस क्षेत्र पर हुआ है ये समझौता ये याद रखना नेक्स्ट है हाल ही में जारी पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2020 में किस राज्य को बड़े राज्यों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ शासित यानी कि बेस्ट गवर्न राज्य घोषित किया गया है बड़े राज्यों की बात हो रही है याद रखना और किस में पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2020 तो केरल को जो है शीर्ष स्थान मिला है ठीक है सबशीर्ष शासित राज्यों में ये जो इंडेक्स है जारी की गई है एंड किसने इसको जारी किया है पब्लिक अफेयर सेंटर द्वारा इसको जारी किया गया है ओके okay. बड़े राज्यों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश ओडिशा और बिहार पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2020 की रैंकिंग में सबसे निचले स्थान पर हैं याद रखना यूपी के बारे में तो खास तौर से याद रखना यूपी और ओडिशा और बिहार जो हैं ये सबसे निचले स्थान पर हैं ठीक है और सबसे शीर्ष पर कौन है वो केरल है बड़े राज्यों की बात हो रही है अगर हम बात करते हैं छोटे राज्यों की क्योंकि कई बार जो काफ़ी सारी इंडेक्स ऐसी होती है जिनमें अलग अलग कैटेगरी बनाई जाती है छोटे राज्यों की और बड़े राज्यों की छोटे राज्यों की श्रेणी में गोवा जो है वो फर्स्ट रैंक है गोवा की जबकि सबसे खराब प्रदर्शन जो है वो मणिपुर का रहा है ठीक है अगर बात करते हैं यूटी की यानी कि के केंद्र शासित प्रदेशों की तो चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे शीर्ष पर है जबकि सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला जो है वो दादरा एवं नागर हवेली है ओके तो तीनों ही कैटेगरी को आप अच्छे तरीके से याद रखना नेक्स्ट है हाल ही में किसको इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ बोस्टन 2020 के तीसरे संस्करण में मरणोपरांत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है ठीक है तो मरणोपरांत किया गया है सबसे पहले तो ये याद रखना और किसको किया गया है ओमपुरी को और तीसरा संस्करण था ये ठीक है दिवंगत भारतीय एक्टर ओमपुरी को इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ बोस्टन के तीसरे संस्करण में मरणोपरांत मतलब इसे सम्मानित किया गया है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से यह पुरस्कार उनकी पत्नी नंदिता पुरी को सौंपा गया है ठीक है इसी इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ बोस्टन में भारतीय शेफ विकास खन्ना को प्राइड ऑफ इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है ये चीज़ मैं पहले ही अपने करंट अफेयर्स में बता चुकी हूँ लेकिन इनको अब सम्मानित किया गया है ये चीज़ इसमें दोबारा से बता दी गई आपको ठीक है नेक्स्ट है चौदहवें एशियाई फिल्म पुरस्कारों में किस भारतीय फिल्म को बेस्ट ओरिजिनल स्कोर का पुरस्कार दिया गया है ठीक है तो गली बॉय को दिया गया है ऑप्शन नंबर सी ओके नेक्स्ट है चौदहवें है, है ये इसका संस्करण याद रखना नेक्स्ट है हाल ही में किसे किसने बाय बाय कोरोना नामक पुस्तक का विमोचन किया है विमोचन की बात हो रही है तो आनंदीबेन पटेल ने किया है ठीक है आनंदीबेन पटेल कौन है यूपी की राज्यपाल हैं इसके अलावा इन्होंने अभी हाल ही में इनको मध्य प्रदेश का अतिरिक्त कार्यभार भी इन्होंने संभाला था राज्यपाल का ठीक है तो विश्व की पहली वैज्ञानिक पुस्तक बाय बाय कोरोना का इन्होंने जो है विमोचन किया है इस पुस्तक को सी एस आई आर सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ के पूर्व वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर प्रदीप श्रीवास्तव द्वारा लिखा गया है किसके द्वारा इसको लिखा गया है और किसके द्वारा इसका विमोचन किया गया है दोनों ही चीज़ें याद रखना और विमोचन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यूपी के राज्यपाल ने इसका विमोचन किया है ओके तो आज के लिए सिर्फ इतना ही है थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो